देखिए ये मासूम बच्चे हैं स्कूल का, क्योंकि मोकामा में विधायक अनंत सिंह के घर पर छापेमारी चल रही है, जहां छापेमारी के लिए सैकड़ों पुलिस के जवानों के साथ एएसपी भी पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद की गई है। अनंत सिंह की पत्नी वीणा देवी ने कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ा था, तो मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर छापेमारी की कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे अहम बात जो जानकारी वो ये कि हथियार बरामद हुए हैं। बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह के घर पर ये छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आपको लगातार न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, जहां छापेमारी के लिए सैकड़ों पुलिस के जवानों के साथ एएसपी भी पहुंचे हैं। ये जो जानकारी थी उसके मुताबिक अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई है। अनंत सिंह की पत्नी वीणा देवी ने कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ा था। मोकामा विधायक के घर पर इस वक्त छापेमारी जारी है। सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस मकान में कुछ संदिग्ध वस्तु रखा गया है, तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और इस घर के जो केयर टेकर है उनसे ताला खुलवाया गया है प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ, और यहाँ से AK-47 राइफल बरामद हुआ है और अन्य कुछ संदिग्ध सामान है, जिसके लिए हम लोग बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाए हैं पटना से और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह। अनंत जी, आपके घर पर कार्रवाई शुरू हो गई है, घर को तोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? लालन सिंह कहे हैं कि अनंत सिंह के तंग करो, जैसे तंग होवे उसको जेल में हिला दो, जो बाहर नहीं रहे, इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं कभी जीवन में ले। आखिर कुछ आरोप होगा तभी तो वहां पर पुलिस पहुंचे। कर लड़े हैं, कोई आरोप नहीं है, घर में ताला 14 साल से लगल है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सरकार में जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, अब क्या करेंगे? सरकार में किसके पास जाइएगा, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो तो सरकार की तरफ से हो रही है। तब भी जाएंगे सरकार में कहने के लिए, हो सके सरकार नहीं जाने, ललन सिंह करवा रहे हैं। होगा तभी तो आपके घर कोर्ट में सजो होता है, तो कोर्ट में आदमी जाता है, विदेश जाता है, सजा भी कोर्ट में होता है, रिहाई भी होता है, तब आदमी कोर्टे जाता है, तो सरकार में जाएंगे तो कहां जाएंगे, वो करें या नहीं करें? सजा भी कोर्ट में होता है और रिहाई भी होता है, दोनों पार्टी कोर्टे जाता है, कहां जाता है? क्या लगता है कि आप जो चुनाव लड़े थे उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है, उसका चुनाव जो लड़े उसको नतीजा भुगतना पड़ रहा है? चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, ललन सिंह का नाम ले रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इस पूरी छापेमारी के पीछे चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह ने यह आरोप लगाया है कि जो इनके घर पर छापेमारी हो रही है और जो पुलिस की दस्ता उनके घर पर पहुंची है, उनके पीछे जो जेडीयू के सांसद है मुंगेर से ललन सिंह, उनका हाथ है। लेकिन जिस तरह से पुलिस यह कार्रवाई की है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो वहां पर एसपी पहुंचे उन्होंने यह कहा है कि यह जानकारी मिली थी कि इनके घर से कोई हथियार का मूवमेंट हुआ है, और उसी के अंदेशा पर यहां पर जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से पुलिस पहुंची और छापेमारी। जी जी चंद्रमोहन, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।